हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, जैसा कि हमने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के दो लेक्चर आपको बताए थे, आज उसका तीसरा लेक्चर है। तो मैंने आपको सेक्शन 6A तक बता दिया था, आज हम सेक्शन 6B की बात करेंगे। तो देखिए, सेक्शन 6B क्या कहता है, केवल पुनः प्रवेश का अधिकार। अब पुनः प्रवेश का अधिकार किस में होता है? तो ऐसा अधिकार किस में होता है, ऐसी भूमि जिसका पट्टा किया जाता है। अब जिस भूमि का पट्टा स्वामी करता है तो उसको एक समय के अनुसार पट्टा करता है कि भाई साल भर के लिए पट्टा है या 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। जब वो पट्टा कंप्लीट हो जाता है तो उस भूमि पर पुनः अधिकार प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार की समस्या पट्टों के मामलों में आती है, जबकि पट्टा देने वाला व्यक्ति लीजर पट्टा लेने वाले व्यक्ति लेसे से ये कंडीशन सब्सिक्वेंट सर्व करता है। शर्त के भंग हो जाने पर पट्टाकर्ता संपत्ति को पुनः अपने कब्जे में ले लें। इस अधिकार की स्थिति पट्टा की गई संपत्ति पर ही निर्भर होती है। इसका ना कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है और ना ही पृथक अंतःकरण ही काफ़ी संभव है। इसका पृथक अंतःकरण ही काफ़ी संभव है और इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इसका ना कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है। यह शर्त कंडीशन सबसिक्वेंट होती है। पुनः प्रवेश के अधिकार की विशेषता उत्तर भोग की स्थिति है। उत्तर भोग का अधिकार केवल उस संपत्ति के पट्टाकर्ता को ही प्राप्त है जिसको पट्टा किया गया है। ठीक। अब जैसे इसमें है, पुनः प्रवेश के अधिकार का पृथक अंतरण नहीं हो सकता, नियर राइट ऑफ री एंट्री। यह स्थिति उस समय आती है जबकि संपत्ति पट्टे पर दी गई, पट्टा लेने वाले का पट्टाधारी किराया या लेसी कहते हैं, उसके अधिकार को लीज होल्ड कहते हैं, पट्टा करने वाले के हित को रिवर्सन कहते हैं। यदि पट्टा करने वाले ने यह शर्त रखी कि किराएदार ने यदि उपपट्टा किया है तो पट्टा छीन जाएगा, अगर उपपट्टा किया मतलब पट्टा को और पट्टा किया तो छीन जाएगा, और मकान मालिक मकान लीज होल्ड पर कब्जा ले लेगा, मकान मालिक मकान लीज होल्ड पर कब्जा कर लेगा, इसे राइट ऑफ री एंट्री कहते हैं। इसका पृथक व स्वतंत्र अंतरण नहीं हो सकता, संपत्ति के साथ इसका अंतरण होगा अलग से नहीं, संपत्ति के साथ इसका अंतरण होगा लेकिन अलग से नहीं। अब आता है सेक्शन 6C। सेक्शन 6C क्या है, सुखाचार का डोमिनेंट या सर्वियंट हेरिटेज से पृथक अंतरण अमान्य होगा। मरी राइट ऑफ असेसमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर सेपरेटली। सुखाचार का डोमिनेंट या सर्वियंट, सुखाचार एक ऐसा अधिकार है जो किसी अचल संपत्ति के स्वामी या काबिज व्यक्ति को पड़ोसी संपत्ति पर कुछ करने या ना करने से रोकने के लिए प्राप्त है। सुखाचार का अधिकार यह हो गया कि जब कोई अचल संपत्ति का स्वामी या कब्जा व्यक्ति जो उस संपत्ति पर कब्जा किया को पड़ोसी की संपत्ति पर कुछ करने या ना करने को रोकने के लिए प्राप्त होता है। सुखाचार के अधिकार की स्थिति व इसका अस्तित्व पड़ोस में स्थित दो अचल संपत्तियों के कारण मिलता है, पड़ोस में स्थित दो अचल संपत्तियों के कारण मिलता है। इस परिस्थिति से अलग ऐसे अधिकार की स्वतंत्रता स्थित नहीं होती और ना स्वतंत्र रूप से इसका कोई प्रयोग संभव है, यही कारण है कि उसे परिस्थिति से अलग अंतरण नहीं किया जा सकता। ठीक है। सुखाचार मतलब कस्टमरी असेसमेंट संपत्ति की स्थिति पर निर्भर नहीं होते, अतः उनकी चर्चा संपत्ति अंतरण अधिनियम के विशेष क्षेत्र के बाहर की भी समझते हैं। ठीक है। अब सुखाचार का मतलब क्या हो गया, जैसे इसको एग्जांपल से आप अगर समझिए कि मान लीजिए कि आपका घर जहां पर है और आपने अपना मकान बनाया, बगल में कुछ जमीन खाली है, वो किसी की है। अब आप उस पर कुछ करने के लिए या कुछ करते हैं आप उस पर, तो उससे आपको करने या ना करने से रोकने के लिए प्राप्त होता है सुखाचार का डोमिनेंट। ठीक। फिर आता है 6D, प्रतिबंधित हित व्यक्तित्व अधिकार, पर्सनल राइट। यदि कोई सुविधा लाभ या अधिकार किसी व्यक्ति को उसकी स्वयं की ख्याति उपलब्धि श्रद्धा स्थिति के कारण दी गई है तो उसके अतिरिक्त किसी अन्य को अंतरण कर दिए जाने पर जिस अधिकार की सम्मति हो जाती है ऐसा अधिकार पूर्णता व्यक्तित्व होता है। अब प्रतिबंधित हित क्या, व्यक्तित्व अधिकार क्या, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई सुविधा या कोई लाभ या कोई अधिकार किसी व्यक्ति को उसकी ख्याति
या उपलब्धि या श्रद्धा या स्थिति के कारण अतीत है, ठीक। उसके अतिरिक्त किसी अन्य को अंतरण कर दिए जाने पर जिस अधिकार की समाप्ति हो जाती है, ऐसा अधिकार पौत्र रखते होता है। अब देखिए, कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई ऑफिसर, उसका पद है और उसको कुछ फैसिलिटी मिली हुई, अब वो फैसिलिटी दूसरे को अंतरण कब होगी, दूसरे को अंतरण कब होगी, जब उसके अधिकार की समाप्ति हो जाए तभी दूसरे व्यक्ति को अंतरण हो सकता है। इसका अंतरण अवैध होगा, इस वर्ग की संपत्ति को अंतरणीय न रखने का उद्देश्य कोई लोक नीति नहीं, अपितु ऐसी संपत्ति का अंतरण होने पर उनका उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। जैसे हक सुफा प्री अनशन का अधिकार, माफी की भूमि, धार्मिक पद एवं कार्यालय जैसे सेवायत, महंत, काजी आदि पद, सेवा या नौकरी की मियाद, परवरिश के लिए अनुदान, यजमान व्रत, महाब्राह्मण की आजीविका, इनाम आदि ऐसे अधिकार हैं जो संबोधित व्यक्ति को ही प्राप्त है, ठीक है, और प्रयोग के लिए उन्हीं तक सीमित होंगे, उनका अंतरण संभव नहीं होगा। मतलब वो उन्हीं तक सीमित होगा, उसका अंतरण किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं मिल सकता। इंग्लिश कानून में इस तरह के उदाहरण पाए जाते हैं जैसे मिलिट्री ट्रेनर आदि। इस पैरा का विशेषण के बालकृष्ण बनाम के कमलान में किया गया। आ को मामा से संपत्ति मिली थी, इसे अपनी नाबालिग बच्ची को दान कर दिया। उसने अपनी आ को मामा की संपत्ति मिली थी, उसने अपने नाबालिग बच्ची को दान कर दिया, परंतु उपभोग अपने पास रखा। सुप्रीम कोर्ट ने इसे धारा 6 के विपरीत नहीं माना, ठीक है। अब देखिए, नाबालिग बच्ची के नाम संपत्ति कर दी लेकिन उसका उपभोग वही कर रहा है, ठीक है, तो इसमें व्यक्तिगत अधिकार बदला नहीं है क्योंकि उपभोग वही कर। अब इसमें अगला है, क्या वसीयत द्वारा उत्तराधिकारी का मनोयन वैध है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने रूढ़ियों के आधार पर इसे सही माना। दूसरे मामलों में इसी कोर्ट ने विपरीत राय प्रकट किया, बंबई उच्च न्यायालय ने अलग विचार व्यक्त किया। सुप्रीम कोर्ट ने श्याम सुंदर बनाम मोमी मोहन ने इस पर सही राय प्रकट किया और ऐसा मनोयन वैध है, ये इंटरवाइस भी हो सकता है। तो ये 6C। अब बात करते हैं 6D, राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस, भरण पोषण का भावी अधिकार। भरण पोषण का अधिकार जो है वो निजी है, जिसके सृजन का आधार कुछ विशेष संबंध एवं विचारणीय सेवा होती है। इस अनुदान का उद्देश्य संबंधित व्यक्ति के सुख एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए उसके स्तर के उपयुक्त जीवन व्यापन सहायता देना होता है, अतः इसका अंतरण अमान्य घोषित कर देता है। अब देखिए, भरण पोषण का अंतरण जो होता है वो अमान्य घोषित कर देता है, और भरण पोषण जो है वो अधिकारी निजी है, अधिकार जो है वो निजी है। और ये अधिकार जैसे अगर पत्नी पति से मेंटेनेंस मांगती है अपने और अपने बच्चों के लिए, तो ये नहीं कि अय्यासी करने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए और पत्नी और बच्चों का जीवन यापन करने के लिए, जब तक वह दूसरा विवाह नहीं कर लेती तब तक, ठीक है, और जब तक दूसरा विवाह नहीं कर लेती तब तक वह अंतरण नहीं दिया जाता। भरण पोषण का अधिकार 1929 संपत्ति अंतरण संशोधन अधिनियम द्वारा अंतरण के अपवाद की सूची में शामिल किया गया। संशोधन के पूर्व मद्रास तथा कलकत्ता के उच्च न्यायालयों ने मतभेद था कि ऐसे अधिकार का अंतरण संभव है या नहीं। मद्रास उच्च न्यायालय के अनुसार यदि भरण पोषण की राशि अदालती डिग्री द्वारा निश्चित कर दी गई तो इसका अंतरण हो सकेगा। अब देखिए, मद्रास उच्च न्यायालय के अनुसार कहा गया कि भरण पोषण की राशि अदालती डिग्री द्वारा निश्चित दी गई है तो उसका अंतरण हो सकेगा। कहने का मतलब है कि प्रेजेंट टाइम में जो महंगाई है, फिर अगर मान लो 5 तक उस लड़की का, उस स्त्री का वो दूसरा विवाह नहीं करती, तो 5 के बाद जो महंगाई का स्तर होगा, भरण पोषण भी उसी हिसाब से बदल दिया जाएगा, ठीक। अब आता है 6E, केवल वाद लाने का अधिकार। इस अपवाद का जन्म कॉमन लॉ के सेम्पेट्री तथा मेंटेनेंस के खिलाफ स्वीकृत समान नीति में हुआ, जिसका उद्देश्य असत्य एवं सारहीन मुकदमों को हतोत्साहित करना था। अब केवल वाद लाने का अधिकार का मतलब हो गया जो असत्य और सारहीन मुकदमे, जिसका कोई तत्व नहीं है, सार नहीं। सिद्धांत का भाव संपत्ति एवं वाद लाने की क्रिया दोनों में अंतर नहीं है। संपत्ति विषय सारे वाद चलाए जा सकते हैं, परंतु ऐसे किसी वाद का संचालन अन्य व्यक्ति से संभव नहीं होगा। केवल मुकदमा चलाने के अधिकार को अगर कोई अंतरण करना चाहे तो अंतरण अवैध होगा।
जिसके स्वामित्व में संपत्ति होगी उसी को उस संपत्ति के संबंधित वादों को भी चलाने का अधिकार होगा। ठीक है, मतलब जिसकी संपत्ति है वाद वही चला सकता है, दूसरा कोई नहीं चला सकता। तो ये था केवल वाद लाने का अधिकार किसको होगा, जिसकी संपत्ति है या जिसको पैसा नहीं मिला है, जो सिविल सूट के अंतर्गत आते हैं उन्हीं को वाद लाने का अधिकार है। ये हो गया हमारा 6 का ई। ठीक, तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी का वीडियो हम आपको नेक्स्ट क्लास में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।